बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नापाक औरत यानी वो औरत जो पीरियड्स की हालत में हो, हैज़ की हालत में या निफास की हालत में हो, वो शबे कद्र में इबादत कैसे करेगी? क्योंकि शबे कद्र ये तो बहुत बरकत वाली रात है, हज़ार महीनों से भी अफजल है। कुरान कहता है हज़ार महीने के बराबर नहीं कहा कुरान, उससे भी ज़्यादा। कितना ज़्यादा कुछ पता नहीं, वो तो आपके इखलास के ऊपर है, वो तो आपकी नियत के ऊपर है, वो तो अल्लाह की कुदरत में है कितना ज्यादा हो जाए। तो ये तो बरकत वाली रात, जो इतना इतनी मुबारक रात है, उसमें अगर औरत नापाक है तो फिर क्या करेगी? उससे फायदा कैसे उठाएगी? इबादत कैसे करेगी? जवाब यह है कि बिल्कुल इबादत कर सकती है, उसका तरीका है। तरीका क्या है? तरीका यह है कि वो काम जो नाजायज है वो न करे, जो जायज है वो काम करे। अब सवाल यह है कि भाई जायज़ क्या है, नाजायज़ क्या है? इस पर मैंने मुस्तकिल वीडियो रखा है, यूट्यूब पे सर्च करेंगे नापाकी की हालत में औरत क्या कर सकती है क्या नहीं कर सकती, बाय MARB दीनी मालूमात, चैनल का नाम लिखकर मारिए, वीडियो आएगी, पूरी डिटेल्स है उसमें। तो नापाकी की हालत में कुरान नहीं पढ़ सकती, नमाज नहीं पढ़ सकती, रोज़ा नहीं रख सकती, लेकिन दूसरी इबादतें हैं, अल्लाह का नाम लेना है, दुरूद शरीफ का पढ़ना है, दुआ करना है, अल्लाह से मांगना है, रो रो कर गिड़गिड़ा कर अल्लाह से मांगे, दुआ करे, अल्लाह से मांगे कि या अल्लाह मुझे ये जरूरत है, अपनी जरूरत मांगे, जहन्नम के अजाब से पनाह मांगे, अल्लाह की रजामंदी चाहे कि अल्लाह तू राजी हो जा मुझसे, मांगे, दुआ करे। तो बहुत सारी चीजें कर सकती हैं, जैसे माँ बाप की खिदमत है, ऐसे वक्त में आदमी माँ बाप की खिदमत करे, ऐसे वक्त में कोई अच्छा नेक अमल करे, ऐसे वक्त में आदमी जिक्र अज़कार तस्बीहात का विर्द करे, तस्बीह पढ़े, सुबहानअल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह, अल्लाह अकबर, ये सब करे। और वो काम जो कर नहीं सकती, वो मजबूर है, लेकिन दिल में ख्वाहिश थी कि अगर मैं पाक होती तो नमाज भी पढ़ती, पाक होती तो कुरान भी पढ़ती, दिल में पक्का इरादा था, लेकिन रुकावट आ गई, शरअन रुकावट आ गई, मजबूरी हो गई, ऐसी सूरत में उम्मीद है अल्लाह से कि उसका सवाब बगैर किए भी मिल जाएगा। अल्लाह से उम्मीद है, हो सकता है सवाब मिल जाए, अल्लाह के पास सवाब की क्या कमी है? अगर पक्का दिल में इरादा था तो जरूर मिल जाएगा, इंशाअल्लाह मिल जाएगा उसे। और अगर वो नहीं कर पाती है तो ये सारे आमाल करे जो मैंने अभी आपको बताया है। अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला समझने की तौफीक दे, आमीन या रब्बल आलमीन। आप देख रहे हैं MARB दीनी मालूमात यूट्यूब चैनल, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम और टेलीग्राम पर आप हमें फॉलो कर सकते हैं। हमारी वीडियोस आप अपने चैनल पर डाल सकते हैं, हमारी तरफ से इजाज़त है। हमारे साथ व्हाट्सएप पर जुड़ने के लिए आप अपने व्हाट्सएप से अपना नाम और फुल एड्रेस के साथ ऐड लिखकर हमारे व्हाट्सएप नंबर 8908939343 को मैसेज करें। और हमारा काम पसंद आए तो गूगल पे, फ़ोनपे या बैंक अकाउंट के जरिए मदद कर सकते हैं।